बिहार के हम बरसी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम। क्लास नाइन्थ, क्या हालचाल है बच्चों? आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप एट्थ को पास आउट करके नाइन्थ में पहुँचे हैं और ये हाई स्कूल का सेक्शन है। हाई स्कूल सेक्शन में आप जो हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो आपके एट्थ और सेवन्थ से डिफरेंट होती है। इसमें आपको साहित्यिक रूप से अपनी बात रखनी पड़ती है, साहित्यिक रूप से आपको कुछ कहना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो हिंदी की बुक है, ये हिंदी की आपकी बुक है, ये आपके शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए है। आप देखें कि इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो प्रताप नारायण मिश्र जी के नाम से है। प्रताप नारायण मिश्र जी, आप जानते हैं, हमने आपको जो इतिहास भेजा था हिंदी साहित्य का, तो उसमें भारतेंदु युग जो था, यानी जिसमें खड़ी बोली का बहुत विकास हुआ था, भारतेंदु युग के ये उस दौरान के साहित्यकार थे, लेखक थे। जैसे आप कवि सम्मेलन में देखते हैं, कई कवि आते हैं, कविताएं सुनाते हैं, आप कहानियां पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये प्रताप नारायण मिश्र जी थे, ये भारतेंदु युग के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। और इनका ये जीवन परिचय दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीवन परिचय भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो जीवन परिचय में क्या लिखा जाता है बच्चों, देखिए इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जीवन परिचय लिखा है, फिर आप देख रहे होंगे साहित्यिक परिचय लिखा है। इंटरमीडिएट में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और हाई स्कूल लेवल पे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया कि प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय दीजिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आप यहाँ लिख दोगे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है, ये आपकी हेडिंग लग गई। अब इसमें आपको लिखना क्या क्या है, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म। तो आप लिखोगे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन इतने में, इस जिले में, इस गांव में हुआ, इनके माता पिता ये थे, ठीक है, ये आप लिख देंगे। दूसरा हेडिंग जो आप डालोगे बच्चों, वो डालोगे शिक्षा दीक्षा, ठीक है। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, इन्होंने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, डिग्री कहाँ से प्राप्त की, इसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, शिक्षा दीक्षा के बाद फिर आपका आ जाएगा बच्चों साहित्य, साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान, इन्होंने साहित्य में योगदान क्या किया, ये आपको लिखना है। ये लेखक थे कि कवि थे कि निबंधकार थे कि उपन्यासकार थे, इन्होंने क्या आखिर क्या योगदान किया। जैसे आप देखें प्रताप नारायण मिश्र जी का इसमें लिखा हुआ है, अगर आपकी अपने अपनी बुक पढ़ी हो, मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावणियों से प्रारंभ किया, ये भी उस समय की विधाएं थी, ठीक है, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। ये फोक यानी जो लोक साहित्य होता है, जैसे आपका आल्हा हो गया, ठीक है, जैसे आपके गाँव घर में सरिया सोहर वगैरह गाए जाते हैं, सब लोक साहित्य, तो ये लोक साहित्य जो है उसका उसके विषय में लिखते थे, यानी तो ख्याल और लावणी ये उस समय के लोक साहित्य थे, तो उसमें लिखते थे। यहीं से साहित्यिक पद के सतत प्रहरी बन गए, ठीक है। भाषा को भी आपको ध्यान रखना होगा, हिंदी साहित्य की भाषा देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ से भी लिख सकते थे कि यहीं से ये लिखने पढ़ने लगे, लेखक बन गए, लेकिन देखिए भाषा देखिए, यहीं से ये साहित्यिक पद के सतत प्रहरी बन गए, यानी साहित्यिक पद यानी लिटरेसी में उतर गए, लिटरेचर में उतर गए, ये हिंदी के विषय में लिखने लगे, सोचने लगे, समझने लगे, पढ़ने लगे। कुछ वर्षों के उपरांत ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर गए, गद्य लेखन यानी प्रोज लिखने लगे। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उन्हें अपना गुरु मानते थे। चूंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद के समकालीन थे, इसलिए उनसे परिचय हो गया, उनके साथ मिलने जुलने लगे लोग। इन लोगों ने मिलकर के पत्र पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकालना शुरू किए, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, लोगों की भाषा सुधरे, विश्व की भाषा से मेल खाए, खड़ी बोली का बहुत ज़्यादा विकास किया, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, कई मौलिक और अनूदित रचनाएँ लिखी। मौलिक का मतलब समझते हैं, मौलिक का मतलब होता है अपनी रचना, ये नहीं कहीं से उठा के छाप लिया, अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो मौलिक रचनाएं लिखी इन्होंने, अनूदित रचनाएं लिखी,
ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का संपादन किया, जैसे अखबार आते हैं हमारे उजाला दैनिक, इस तरीके से पत्रिकाएं आती, मनोहर कहानियां, सत्य कहानियां, इंडिया टुडे, सब पत्रिकाएं आती हैं। इसी तरीके से उस समय हिंदी साहित्य के लिए भी पत्रिकाएं होती थी, ब्राह्मण, हिंदुस्तान, इस तरीके से। भारतेन जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिस जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो आपको लिखना क्या है साहित्यिक योगदान में, कि सबसे पहले कि आप क्या लिखोगे कि इन्होंने ये किस युग के थे, किस युग के थे, ठीक है। मुख्य क्या लिखा इन्होंने, मुख्य क्या लिखा, मुख्यतः मतलब निबंध लिखे कि नाटक लिखे कि कविताएं लिखी, गद्य लिखते थे कि कविता लिखते थे, काव्य लिखते थे, ठीक है। ये सब आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये साहित्य योगदान हो गया। फिर आप लिखोगे कृतियाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम आपको इसमें 5 से 6 इनकी मुख्य मुख्य कृतियाँ लिखनी है जिन्होंने लिखा है, ठीक है। उसमें तो बहुत कुछ लिखते हैं बड़े साहित्यकार, लेकिन 5-6 मुख्य मुख्य लिखनी है, ठीक है। नाटक, निबंध, जो भी इन्होंने लिखा हो, जैसे आपको मैं दिखाऊँ, देखिए इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, यस, देखिए ये आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये इस तरीके से इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है कि ये प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, जो ज्वारी खुआरी, समझदार की मौत, मन की, ये सब लिखा है इन्होंने। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत इनके पूछे जाती हैं वो आप इसमें से 5, 6, 8, 10 जो भी आपको जितनी याद हो पाए, बहुत अच्छी बात है, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिख लेंगे आप, भाषा शैली, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया। जैसे लिखा है, सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल का प्रयोग किया भाषा का। आप जानते हैं, जैसे अभी मैं मिश्रिक में हम लोग या ग्रामीण क्षेत्र के या हम लोग रहने वाले हैं, तो अगर टीचर सीधे बच्चों से इंग्लिश में बात करने लगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो टीचर क्या करता है, उनसे उसी भाषा में बात करता है, ठीक है। आप जाते होंगे किसी डॉक्टर के पास, कभी गए होंगे तो आप देखिए, डॉक्टर देखता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर कोई बहुत ग्रामीण परिवेश से गया है, गांव की भाषा बोल रहा है, डॉक्टर भी उसी भाषा में बोलता है, ठीक है। का है अम्मा, का बीमारी है, ठीक है, इस तरीके से बात करता है, जिससे कि वो उससे अपना एक कॉन्टैक्ट, ठीक है, वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके, उनसे जुड़ सके। तो यही हमारे लेखक को कवि करते थे। आप देखिए, किसी ने अवधि भाषा में लिखा, किसी ने ब्रज में लिखा, किसी ने आल्हा, आप देख लीजिए आल्हा किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो उससे गांव के लोग कैसे जुड़ जाते हैं, तो उस समय जैसी भाषा थी वैसे ही उनको जुड़ने का प्रयास किया गया, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है, इस तरीके से। तो दो मेन रूप हैं, हास्य व्यंग और गंभीर विचारात्मक विचारात्मक शैली। ये शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। भाषा कौन सी प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली, कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया, जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है। शैली इनकी क्या है, नहीं, लिखने का ढंग क्या है। देख, कुछ लोग बच्चों, जैसे व्यंग लिखा ना, व्यंग शैली, तो व्यंग शैली ये बहुत इंपॉर्टेंट शैली होती है, ठीक है। व्यंग का मतलब होता है कि आप अपनी बात कह भी दे और सामने वाले को सीधे बुरा भी ना लगे ठग से, ठीक है। जैसे किसी को गधा कहना है, आपने कह दिया तुम यार गधे हो, तो उसको बुरा लग गया, ठीक है। हंसी हंसी में कह दिया, अरे भाई आप वैशाख नंदन हैं, तो वैशाख नंदन वाने भी गधा होता है, लेकिन अब वो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि आप सीधे कह देंगे, ठीक है। तो ये इनकी शैली थी, तो इस तरीके से आप शैली की भी बात कर लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जीवनी में करना होता है। तो आप प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिख करके ग्रुप पर सेंड करेंगे, ठीक है, क्लास 9th। चलिए, ओके। अब क्लास 9th आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, ये तक आप 8th में नहीं देखते थे, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है संदर्भ, आप देख रहे होंगे लिखा है संदर्भ और ये लिखा हुआ है प्रसंग। तो होता है क्या कि आपके जो हिंदी में किताब में जो लेसन दिए हुए हैं, उसमें की कुछ लाइनें आएंगी एग्ज़ाम में, 4-5 लाइन दी होंगी किसी लेसन से, और आपसे कहेंगे कि संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या माने एक्सप्लेन कीजिए, संदर्भ सहित, संदर्भ प्रसंग के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो हम उसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग क्या होता है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक लाइन दी गई है और वो तुलसीदास की कविता की है, ठीक है। चलिए मुंशी प्रेमचंद ले लीजिए, नमक का दरोगा आपने पाठ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, नमक का दरोगा, उनकी एक कहानी है ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बारे में। तो मान लीजिए उसकी कुछ लाइनें आपको दे दी और आपसे कहा कि इन लाइनों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो देखिए संदर्भ आप कैसे लिखेंगे।
तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लाइनें किससे हैं। अगर आपको ये आपने लाइनें पढ़ी और आपको पता चल गया कि यार ये लाइन जो है ये किससे दी हुई हैं, ये दी हुई हैं हमारी जो हमारा पाठ है नमक का दरोगा उससे दी हुई हैं, ठीक है, तब हम उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, बस सारी कहानी यहीं पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे संदर्भ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए प्रेमचंद की उसका आया है तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, हमें इस चीज़ को देखना है। तो ध्यान से देखिएगा संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक नई चीज़ है आपके लिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे जो लाइनें लिखी हुई हैं चार पाँच, ठीक है, उनको लिखेंगे प्रस्तुत, यही भाषा होगी, गद्यावतरण। आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं गद्यांश, या आप लिख सकते हैं गद्य खंड। गद्य माने प्रोज कागज है, ठीक है, कविता नहीं है, तो गद्य खंड। या आप ये भी लिख सकते हैं पंक्तियां। ठीक है, ये लिख लिया आपने, प्रस्तुत, गद्यावतरण, गद्यांश, गद्य खंड या पंक्तियां। हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के नमक का दरोगा, नमक का दरोगा नामक पाठ से अवतरित हैं, इस शब्द की जगह आप लिख सकते हैं उद्धृत हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ली गई हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भाई नमक का दरोगा पाठ से है, और नमक का दरोगा लिखा किसने है, मुंशी प्रेमचंद जी ने उस पाठ को लिखा है। तो अब इसमें आप लिखेंगे इसके लेखक, ठीक, लेखक की जगह आप रचनाकार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद, तो आप सीधे लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद तभी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप मुंशी प्रेमचंद की कुछ खासियत लगा के लिखिए, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो कथा सम्राट हैं, ठीक है, कहानी सम्राट हैं। तो इसके लेखक रचनाकार कथा सम्राट ऐसे लिख दीजिए, कुछ विशेषता लगा दीजिए, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। इसको बच्चों कहते हैं संदर्भ, यही आपका संदर्भ है, ठीक है। जब कोई आता है व्याख्या करने के लिए तो एक नंबर इसका होता है। अब मान लीजिए आपसे कहा प्रसंग भी लिखिए, तो प्रसंग का मतलब होता है वो लाइनें किस विषय में कही गई हैं, ये होता है प्रसंग। तो जब आप लाइनें पढ़ोगे, चाहे कविता की हों और चाहे वो प्रोज की हों यानी गद्य की हों, जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किस विषय में है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, तो इसमें नमक का दरोगा पाठ जो है इसमें ईमानदारी पे है ऑफिसर की, तो प्रसंग आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड में पुलिस के एक ईमानदार रूप को दर्शाया गया, ये है आपका प्रसंग, ठीक है, समझ गए। तो जैसे आपका मुंशी प्रेमचंद आपने लिख दिया कथा सम्राट थे, इसी तरीके से आप कुछ विशेषताएं जरूर जोड़ दिया करें, ठीक है, तो उससे आपका संदर्भ प्रसंग अच्छा हो जाता है, संदर्भ भी हो गया प्रसंग भी हो गया। इसके बाद फिर आपकी व्याख्या आ जाएगी। व्याख्या में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्याख्या का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है इसकी हिंदी, तो इंग्लिश तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बच्चों की जो लाइनें आई हैं उसकी लैंग्वेज कुछ स्पेशल होती है, मतलब शुद्ध भाषा हो सकती है, अवधि भाषा हो सकती है, ब्रज भाषा हो सकती है, तो आपको उसे अपनी भाषा में एक्सप्रेस करके लिखना है कि आखिर उन लाइनों में क्या कहा गया है, क्या लेखक या कवि कहना चाहता है, यही व्याख्या है। तो व्याख्या कर देंगे आप,
अगर चार लाइन का चार लाइनें दी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छः लाइन में व्याख्या होगी। कविता है तो 8 से 10 लाइन में व्याख्या पहुँच सकती है। और व्याख्या के बाद फिर आप उसमें भाषा वाषा लिख सकते हैं कि इसमें इस भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें कवि ये कहना चाहता है, ये सीख देना चाहता है लेखक, भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए दो नई चीज़ें थी जो 8th में शायद नहीं चलती थी। 7th-8th में हाई स्कूल स्तर पर संदर्भ प्रसंग पूछा जाता था, ये भी आपने सीख लिया। तो आज आपके लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग प्रताप नारायण मिश्र जी का बात पाठ पढ़ेंगे, और तब तक आप प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिख करके सेंड कीजिएगा, देखते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, चलिए।